नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अपने NIC या गवर्नमेंट ईमेल आईडी पर कैसे स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं और कैसे वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। ये ऑप्शन हमें स्टिकी नोट्स का ऐड करने का कहाँ से मिलेगा, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टिकी नोट्स के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो वो इस तरह के नोट्स जो मैंने अभी सामने स्क्रीन में आपको ये डायग्राम में दिख रहे होंगे, किस तरह के कुछ नोट्स चस्पा कर लेना या चिपका लेना किसी कागज़ पर या इस पर, जिससे हम इजीली अपने पॉइंट्स या नोट्स को उससे संबंधित विषय पे लिख सकते हैं। तो इसको ईमेल पे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको देखने के लिए सबसे पहले हम अपने ईमेल के इनबॉक्स में चलते हैं। अभी मैंने इनबॉक्स पर जानबूझकर एक ईमेल को ऐसा कर लिया है कि जिसमें मैंने टैग लगा दिया है स्टिकी नोट्स का, इस कारण से सिर्फ आपको एक ये दिख रहा होगा, ज्वाइन लाइव मन की बात वाला। तो जब जिस भी मेल को आपको अपने इनबॉक्स में, जैसे आपके कोई मेल है उसको आप उसमें स्टिकी नोट लगाना चाहते हैं, तो आपको पहले उसको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे, मतलब वन टाइम क्लिक कर दीजिए, तो राइट साइड में ऊपर आपको देखिए यहाँ पर एक इस तरह का आइकन मिलेगा, इसको स्टिकी नोट्स बोलते हैं। आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टिकी नोट्स का एक स्क्रीन यहाँ पर खुल जाएगी, जैसे सामने मेरे ये खुल गया है, और आप इस पर अपना स्टिकी नोट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टास्क, ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ राइट साइड पे जो ऊपर ग्रीन कलर का राइट क्लिक है या राइट चेक मार्क है, उसको आपको क्लिक करना है, तो ये स्टिकी नोट जाकर जो है आपके ईमेल से जाकर अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक इस तरह का स्टिकी नोट का येलो कलर का आइकन बन के भी आ जाएगा। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। अब इसका यूज़ जैसे मान लीजिए आपके इनबॉक्स में 100 मेल हैं, 200 मेल हैं, और आपने किसी 10 ईमेल पे स्टिकी नोट्स लगाए हैं, और आप उसको भविष्य में या फ्यूचर में देखना चाहते हैं कि वो सारे मेल जिसमें मैंने अपने नोट्स लगाए हैं वो कहाँ पर हैं, तो लेफ्ट साइड में आपके जहाँ पे इनबॉक्स वगैरह इनबॉक्स सेंट आइटम्स रहता है, वहीं नीचे एक टैग्स का ऑप्शन हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, उस पर एक नया एक टैग ईमेल विद स्टिकी नोट्स का आ गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड में जितने भी मेल्स पर आपने, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए 10 ईमेल पे लगाया है, तो उन 10 ईमेल्स पर वो 10 ईमेल आपको शो ऑफ हो जाएंगे। तो आप जाकर उनके स्टिकी नोट्स को पढ़ सकते हैं या जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो ले सकते हैं। देखिए जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपने ईमेल खोला नहीं, लेकिन आपका जो स्टिकी नोट्स में आपने क्या लिखा था वो यहाँ पर शो हो जाता है, तो आप उसको इजिली पढ़ भी सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो डबल क्लिक में तो हमारा मेल ओपन हो जाता है, तो इसमें डबल क्लिक करने पर आपका मेल तो ओपन होगा, साथ में स्टिकी नोट भी उसके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप मेल भी पढ़ सकते हैं, स्टिकी नोट भी देख सकते हैं। और एक चीज इसमें आपको मान लीजिए कि स्टिकी नोट्स आपको किसी कारण से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेल खोल दिया और आपको लगता है कि ये स्टिकी नोट आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो आप या तो एडिट कर सकते हैं इसको हटाकर, या फिर आप इस स्टिकी नोट को डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन ये क्रॉस मार्क का है, इस क्रॉस मार्क पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दीजिए, ये मेल इस मेल से स्टिकी नोट डिलीट हो गया। हम वापस इस पर क्लोज कर देते हैं और वापस अपने इनबॉक्स में आ जाते हैं। तो स्टिकी नोट्स का यूज़ आप इस प्रकार से अपने ईमेल्स को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। जिनके पास हायर नंबर ऑफ ईमेल्स आते हैं, मैनेजमेंट काइंड ऑफ जो रोल प्ले करते हैं, उनको ये काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।